जिला कठुआ के हीरानगर क्षेत्र में गत एक सप्ताह में दो जवाजों ने शहादत का जाम पिया है। एलओसी पर राजौरी में पाकिस्तान फायरिंग से शुभम सिंह के बाद जम्मू के सुजमा में जैश ए मोहम्मद के फिदायिन हमले में हीरानगर के बकरार कॉलोनी निवासी जैसियो मदन लाल चौधरी भी शहीद हो गए। शहीद के पैतृक गांव में उनकी शहादत की खबर से मातम छा गया है। शहीद के परिजनों को सांत्वना देने के लिए स्थानीय लोग उनके घर पहुंच रहे हैं। एक तरह से पूरे क्षेत्र में ही माहौल गमगीन बना हुआ है। मेरे कजन ब्रदर, मेरी सगी बुआ के लड़के हैं, अगर शहीद हुए हैं तो गर्व की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि उन्होंने मिली टेंटों के साथ मुकाबला किया और शहीद हुए। पर इसके साथ मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि आज के जो हमारे नेता टीवी पे बैठ के जो एक दूसरे को ये बताते रहते हैं जी हमारे सरकार में इतने शहीद हुए, दूसरे में इतने शहीद हुए, ये चीज़ों को छोड़कर कुछ स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए। अब मौका आ गया है, क्योंकि हर एक हमारे जो गांव है, खास करके ये बकराल गांव राजबाग डिस्ट्रिक्ट कठुआ में पड़ता है, कोई घर नहीं होगा जिसमें एक या दो आर्मी में नहीं है, ठीक है। और ख़ास करके हमारे लोग 1965 1971 1947 से लेकर वैसे ही बॉर्डर एरिया की वजह से दिखते हैं। ऊपर से अभी जैसे मैंने बताया कि जैसे आज का ऐसा संविधान होना चाहिए, हमारा एक उसमें सिस्टम होना चाहिए राजनीति में, कोई एमएलए हो कोई एमपी हो, हर एक का बेटा आर्मी में होना चाहिए। क्योंकि जैसे हमारे बच्चे की आज घर में डेड बॉडी आ रही है, ऐसे उनके घर में जाए तो उनको पता लगे कि कैसे टीवी पे बैठ के आप क्या अपडेट देते रहते हो, कम से कम ग्राउंड में पता चले कि दुख क्या होता है। जिसका पति चला गया, जिसका बेटी हमारी जो नेहा बीबी उधर इंजर्ड है, तो इस बात का दुख बहुत है। इस सरकार को चाहिए, टोटली सरकार को इस समय चाहिए कि मुंह तोड़ जवाब ये नहीं होना चाहिए कि हम आज ये हो रहा है वो हो रहा है, टोटल एक बार कर लो जो करना है। क्योंकि रोज ही देख रहे हैं हमारे नौजवान भाई हमारे शहीद हो रहे हैं, कब तक चलेगा शहीद हो रहे हैं, कब तक चलेगा। आखिर इत्तेफाक से मेरे साथ ही पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा। उसके साथ और कौन कौन इंजर्ड हुआ? उनकी बेटी नेहा है भतीजी हमारी, वो अभी उधर ही है। हाँ, भाभी भी, उनको भी चोटें लगी हुई हैं। अब बड़े ब्रदर हैं शमशेर, उनकी भाई भी अभी उधर ही है, उनको भी चोटें लगी हुई हैं वैसे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कोई जो भी होना है कोई ऐसा सिस्टम बने। हमारे सरकार वादे तो बहुत करती हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, अब जो बॉर्डर पे अभी ये करेंगे, एक सिर काटेंगे 10 लेके आएंगे, अब कहाँ है, खुल के चलो बॉर्डर पे, करना जो एक बार निकाल दो। हीरानगर से आदर्श वर्मा, अलर्ट इंडिया न्यूज़।